ठीक है, जरा ध्यान से करना, पेशेंट को सिर में ज्यादा चोट आई हुई है, इसको प्रेशर ना करो। इसकी टेंशन तेर तक ज्यादा हमने, ठीक है ठीक है, जरा ध्यान से करना। अरे सर, वो सब काम छोड़ने के बाद मैं और मेरा बड़ा भाई हाँ उस सब काम को छोड़कर मेरी शहर में आकर रहने लगे, और हमारी सब इतनी बड़ी हवेली, वो भी इतने कम पैसों में, कुछ तो गड़बड़ बड़े भाई। देख भाई, इतने कम पैसों में तो हमें रहने के लिए कमरा भी नहीं मिलता, लेकिन हमें इतनी बड़ी हवेली मिल रही है, इसमें हमारा ही फायदा है। हवेली में हमारा पहला दिन तो अच्छा गया, अच्छा फिर दूसरे दिन में मेहनत कर रहा था, छोटे हाँ भाई मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना।
ठीक है भैया। और हाँ, शाम का खाना मैं आते टाइम ले आऊँगा, दोपहर का तुम बाजार में जाके खाना। पैसे तो लगे रख दिए। चलो यार कुछ खा पी के आते हैं। छोटे कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? कुछ खास नहीं पर ठीक था भाई। एक काम कर, ये ले तू खाना लगा ले, मैं तब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक है भाई। बहुत भूख लगी है भाई आज तो यार, पूरा दिन थक गया मैं काम ढूंढते ढूंढते, और काम मिला भी नहीं, बहुत परेशान हो गया यार। किस सोच में डूबे हो भाई? अरे कुछ नहीं भाई, आज मैं जूस की दुकान पर गया था तो मैंने वहां पर दो लोगों को आपस में बात करते हुए देखा और सुना। क्या कह रहे थे वो? और भाई आप पिछली फिल्म बहुत अच्छी चली। हाँ यार वो तो है, उस मूवी का तो मजा ही लगा। ओ जूस आ गया। थैंक यू अंकल। थैंक यू जी। तो अब क्या, कौन सी लव स्टोरी था, कौन सी लव स्टोरी में डालने की तैयारी है? अरे नहीं यार, आपके पास लव स्टोरी का मन नहीं कर रहा, अब मैं सोच रहा हूँ एक हॉरर मूवी की। जबरदस्त। कहाँ की हॉरर मूवी? ये हॉरर मूवी आपके शहर में यार, बाजार के ऊपर। भाई तू पागल है क्या? हुआ उस पर मूवी लिखेगा, तू मरना चाहता है? वो वेली भूतिया है। क्या बात कर रहा है यार, इन चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता भाई। देख मेरी मदद करना चाहता है तो कर, मैं उस हवेली का पर्दाफाश करके रहूँगा। मैं चला, कॉल कर देना मुझे अगर मेरे साथ आना चाहते हो। ठीक है, बाय। भाई साहब कौन सी भूतिया बेची है? बात करें भाई आप कौन हो? मुझे ये तो पूछ रहे हो भाई, मैं यहाँ पर नया नया रहने आया हूँ, मैं और मेरे बड़े भाई के साथ हम ये बहुत फुड़े घर में रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? यही मार्केट से निकलने के बाद सुनारो वाली गली में। क्या आपके घर की दीवार काली पड़ चुकी है और आपका घर का गेट बहुत बड़ा है? हाँ बड़ा घर, बड़ा गेट और दीवारें भी काली। भाई मैं मेरी सलाह से आपको बताना चाहूँगा, उस घर को जल्दी जल्दी खाली कर दो। क्यों, ऐसा क्या है? छोटे कुछ नहीं होता यार, खाना खा, ये सब बकवास की चीजें हैं।